पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ियां हो रही बंद। बकोड़ा गणेशपुर में आग लगने से 50 बेड पैरा जलकर राख। खरीदी केंद्र खारा का सीईओ ने किया निरीक्षण, शाखा प्रबंधकों को दिए आवश्यक निर्देश। तहसील मुख्यालय किरनारपुर स्थित मां किरनाई फ्यूल पेट्रोल पंप वाहन चालकों के द्वारा पेट्रोल भरवाया जा रहा है। वहीं वाहन चालक पेट्रोल भरवाने के बाद समीप के ही दुकान में जाकर बंद हो रही गाड़ी को देखा जा रहा है। जानकारी लेने के बाद वाहन चालकों के द्वारा बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक गाड़ियां बंद हो रही है। वहीं मिस्त्री के द्वारा बताया जा रहा है कि प्लग खराब हो रहे हैं। वहीं वाहन चालकों ने अपने घर तक भी वाहन से ही सफर करना है। पेट्रोल पंप मालिक राकेश उपवंशी द्वारा बताया गया है कि ऐसी शिकायत हमारे पास भी आई है और हमारे द्वारा पेपर और पानी से परीक्षण करने के बाद यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी से ही एथेनॉल की मात्रा ज्यादा आने से यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमने कंपनी के अधिकारियों को इस शिकायत से अवगत करा दिया है। 500 का भरवाना तो मैंने 200 का ही भरवाया। मैं 200 का भरवा लूं, वहां पे दो तीन जन कुछ कर रहे थे, चेक कर रहे थे पेट्रोल को, तो मैंने उसको देखा नहीं। मैंने उसको देख के अपन 200 का 500 का नहीं भरवा के 200 भरवाया। जैसे स्टार्ट करने के लिए तो बाइक चालू नहीं, बाइक चालू करने के बाद मिस्त्री के पास आया तो प्लग शॉर्ट हो गया। तो 4-5 दिन से पूछा तो सबको ऐसे ही है। अभी यहाँ पे कम से कम 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारे प्लग शॉर्ट हो गए तो पेट्रोल क्या करें। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर वारा सिवनी रोड पर बकोड़ा गणेशपुर में कृषक सुरेंद्र दादरे के मकान के सामने रखे पैरा में 12 व 13 जनवरी की दरमियानी रात्रि में अचानक आग लगने से 50 बेड पैरा जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक सुरेंद्र दादरे व उसका परिवार रात्रि में सोया हुआ था, उसी दौरान अचानक अज्ञात कारणों से पैरा की बेड में आग लग गई और तेज लपटें उठने लगी। वहीं मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने रुककर मकान मालिक को आवाज लगाकर जगाया, जिसके बाद सुरेंद्र दादरे के परिजनों ने आनन फानन में आग को पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पैरा की बेड पूरी तरह से जलकर राख हो गई। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर बैंक प्रशासक के निर्देश में आरसी पटेल सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा पी जोशी प्रबंधक लेखा के साथ खरीदी केंद्र खारा में निरीक्षण किया गया। श्री पटेल ने मौके में मौजूद सिलाई वाले धान के बोरों को तौल कांटे से तोलकर सत्यापन किया। श्री पटेल ने संस्था प्रबंधक को उपार्जन नीति अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के खरीदी केंद्रों में खरीदी कार्य पूर्ण होने का प्रमाण मुख्यालय प्रेषित किए जाने के निर्देश भी दिए गए। सुरम्य पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित बिठली पंचायत के हर्रा नाला पहुंच विहीन देव कोरण वाटरफॉल का कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निरीक्षण किया और कुछ देर तक इस खूबसूरत प्राकृतिक नजारे का लुफ्त उठाया। इस अवसर पर बेहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, जिला पंचायत सदस्य अनुपमा नेताम, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम सहित पार्षद एवं अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहां बता देना आवश्यक होगा कि अभी हाल ही में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच और अन्य लोगों के साथ वाटरफॉल का दौरा कर शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था तथा एक दिन पूर्व ही जिला पंचायत की सदस्य अनुपमा नेताम ने भी कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा को वाटरफॉल का दौरा करने का आग्रह किया था, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने आज वाटरफॉल का दौरा कर जायजा लिया। बालाघाट केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में नए वर्ष के अवसर पर वृद्धजनों व महिलाओं का सम्मान समारोह एवं दवा विक्रेताओं का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दवा विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जबलपुर से एसोसिएशन के पदाधिकारी सुधीर भतीजा आजाद जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले भर के केमिस्ट व ड्रगिस्ट शामिल रहे। जितने भी काम किए कहीं उसमें सोनी का नाम नहीं है, सिर्फ बालाघाट के मिस्टर नगीस एसोसिएशन का नाम है। उसके बाद भी इन लोग को तकलीफ है क्योंकि इनको गलत काम करने नहीं मिलता। लालबर्रा वेनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने शुक्रवार को प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्रीय विधायक गुरुशंकर बिसेन ने ही सोनेवानी एवं
रमरमा को अभ्यारण के रूप में विकसित करने के लिए 22 फरवरी 2021 को कलेक्टर बालाघाट को पत्र लिखकर शुरुआत की थी, किंतु आज अभ्यारण का विरोध कर रहे हैं। जबकि वन ग्राम नवे गांव सोनेवानी और चिखला बड्डी के लोग विस्थापन चाहते हैं। वन ग्राम में स्वास्थ्य शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ रहता है। इस आशय का पत्र लगभग 250 लोगों के हस्ताक्षर के साथ उन्हें सौंपा गया है। तीन गांव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, इसके पत्र दिखा रहा हूं, हस्ताक्षर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीन गांव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, ये तीन गांव के लोग तो मुख्य धारा से समाज के जोड़े का कौन पिछले 40 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गौरी शंकर बिसेन। ये तीन वन ग्राम तब से वहां बसे हुए हैं, कभी इनके बारे में क्यों नहीं सोचा उस व्यक्ति ने। आज ऐसा क्या है कि ये पत्र जारी करने के बाद, अभ्यारण को प्रक्रिया में लाने के बाद, अचानक से वो पलटी मार रहे हैं। और इन गांवों में जाके, मेरे पास वीडियो भी है, 3 जनवरी को इन गांव में गए थे, वहां लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको इन गांव से बाहर आना है। बालाघाट मुख्यालय से रजे गांव मार्ग पर गांव नवे गांव पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड में यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार 52 वर्षीय प्रौढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल खारा किरनारपुर हाल मुकाम वार्ड नंबर 4 बालाजी नगर कोसमी निवासी ज्ञानेंद्र पिता भैयालाल पारधी को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां ज्ञानेंद्र की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल रेफर किया गया। घटना संबंध में बताया गया है कि ज्ञानेंद्र 13 जनवरी को करीब 12 बजे बाइक से बहनी किसी काम से जा रहा था, तभी नवेगांव पेट्रोल पंप के सामने विपरीत दिशा से आ रही यात्री बस ने चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी।